Hello dear students, welcome again to my YouTube channel. In previous video I have explained to you about the basic concept of HOD, and in this video we will discuss the questions of HOD which are frequently asked in previous year board examinations. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे की सारे जो HOD के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरी देखें और पूरी देखने के बाद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, तो इस तरीके से आपका HOD कंप्लीट हो जाएगा. और जो आपके डाउट्स हों वो मेरे को मैसेज करें जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं डाउट एक्सप्लेन कर सकूँ HOD के. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग HOD वी विल मूव ऑन टू सम स्टूडेंट आस्किंग अबाउट द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और यू विल एंजॉय द इंटीग्रेशन. सो प्लीज इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले डिफ्रेंशिएशन आपका अपना स्ट्रांग रखें जिससे कि आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो. तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज. तो आज का जो पहला क्वेश्चन HOD का है हमारा वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स. डी टू वाई ओवर डी एक्स टू मैं आपको बता चुका हूँ इट इज द डबल डिफरेंशिएशन हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स, या इसे हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डिग्री, राइट. तो सबसे पहला हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सभी बच्चों को पता है कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, मैं डी वाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, तो साइन इनवर्स हमें लिखना क्या है, हमें लिखना इस तरीके से, राइट. तो मैं एक स्टेप बचा रहा हूं अपनी और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहां मेरी बात को सब बच्चे ध्यान से समझेंगे. मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में भी बता दिया है. जनरली आपको करना क्या है HOD के क्वेश्चंस में, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखें. यहाँ आप HOD के क्वेश्चंस में क्वेश्चन रूल से बचने की कोशिश करें. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि क्वेश्चन रूल से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन रूल से बचें जितना हो सकता है. ऐसा करने से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी. जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं डिफरेंशिएशन के अंदर क्वेश्चन रूल्स यानी कि डिवाइड रूल से बचने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं करूँगा क्या, अंडर रूट के अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मैं इस साइड में शिफ्ट करूंगा LHS साइड में. तो देखिए मेरा क्वेश्चन बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1. अब मेरा क्वेश्चन ये हो चुका है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा. तो जब मैं फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो सेकेंड फंक्शन बाहर आ जाएगा, तो ये आपका dy dx मेरा बाहर चला गया. और जब मैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो आप सभी लोगों को पता है, मैंने चेन रूल बताया हुआ है आपको फर्स्ट वीडियो में, तो अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर द फंक्शन एज इट इज, ठीक है. फिर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का 2x. तो मैं फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर चुका हूं, नाउ द टर्न इज ऑफ सेकंड फंक्शन. तो सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले मेरे को फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखना पड़ेगा, और dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो इट विल बी व्हाट, d2y ओवर dx2, एंड दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन 1. और 1 को जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होने जा रहा है, 0. अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. इसके बाद की स्टेप सबको दिख रही होगी और आंसर भी नजर आ रहा होगा कि मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो इसका एलसीएम लेने के बाद यहां बचेगा कितना, माइनस का एक्स dy ओवर dx. देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखाई देता हूं. जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम में जब लूंगा तो ये कितना आएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म इससे कैंसिल होगा तो न्यूमेरेटर में कितना आएगा, माइनस एक्स dy ओवर dx प्लस इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो रूट हट जाएगा और बचा कितना, d2y ओवर dx2, और ये इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.
और आप इस वाले टर्म को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वहां चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और देखें ध्यान से, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। नाउ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहां इस वीडियो में एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। और आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर देन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस का 2x 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड में इसके साथ dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2। ये सेकेंड क्वेश्चन है आज का। तो ध्यान से देखेंगे, मैं आपको पुराना जो भी था वो भी एक एक बार बताता हुआ चल रहा हूं कि जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा dy ओवर dx, तो सभी बच्चों को मालूम है कि दिस विल एक्ट एज x और ये हो गया आपके पास x की पावर n। तो जब हम x की पावर n को डिफरेंशिएट करते थे तो सबसे पहले काम जो था वो डिफरेंशिएशन था कॉन्स्टेंट ऊपर पावर का। तो जब मैं इस पावर को डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल बी वॉट 2 tan इनवर्स x की पावर 1। अब किसका नंबर आएगा, dy dx ऑफ tan इनवर्स x। ये आपको बताने के लिए लिखा है। मैं इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकता था। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा इसको, dy dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब सभी बच्चों को मालूम है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। वापस से मेरी वही बात कि यहां पर भी आप कोशेंट रूल से बचें, कोशेंट रूल से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। मैं बार से बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका कमांड बहुत तगड़ी है तो आप कैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, जैसे चाहें। आप इस फंक्शन को उठा के LHS में लेके आएंगे देन इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट 2 tan इनवर्स x। और मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, राइट? तो अब आपको करना क्या है कि इस फंक्शन को जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। तो जब आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये आपका फंक्शन राइट साइड में है ही। तो जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा राइट, तो dy dx बाहर रहेगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को मालूम पड़ चुका है कितना होगा, 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। dy dx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, d2y ओवर dx2 इज इक्वल्स टू 2। कॉन्स्टेंट बाहर रहता है, tan इनवर्स x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद की स्टेप में को समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको जो प्रूविंग है वो सामने दिखाई दे रही है। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 2 ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या दे जाएगा मेरे को, ये मेरे को देकर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो मेरी पहली स्टेप है, इंटू कितना हुआ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस, फिर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो इट विल बी वॉट 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। फिर यहां RHS में कितना बचा, 2। देखिए फिर से ध्यान से, इस वाले टर्म का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर देके जाएगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होके ये देगा और इक्वल्स टू 2। तो यह आपका आज का सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा व्हाट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू।
और यही आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और आपके लिए एचओडी के लेकर आऊंगा, देन वी विल मूव ऑन टू इंटीग्रेशन, और साथ साथ पॉसिबल हुआ तो कुछ वीडियोस आपके एओडी के, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। y इज इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और आपको प्रूव करना है x स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आज का क्वेश्चन है आपका, ठीक। वापस से वही काम हमारा, हमने डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया, तो ये हुआ बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स 3। कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे हम तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, तो मैंने माइनस को आगे लिख लिया, साइन आ गया, ये हो गया लॉग एक्स। सभी को मालूम है चेन रूल लगना है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, प्लस 4 साइन को डिफरेंशिएट किया तो कॉस लॉग एक्स, वापस से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। अब मेरी वही स्टेप, क्वेश्चन टू से बचना है, इस एक्स को उठा के इधर लेकर आए, तो ये हो गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स। देखें यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा। वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगना है, दो फंक्शन है ये, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 बचा कितना डीवाई डी एक्स प्लस एक्स, डीवाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस का 3, साइन का कितना होगा बच्चों कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का कितना होगा 1 अपॉन एक्स, यहां माइनस आएगा, ये हो गया 4, क्योंकि कॉस का माइनस हो जाएगा इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, साइन लॉग एक्स, और वापस से कितना आया एक्स। इस एक्स को मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये एक्स डीवाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। अब यहां ध्यान से देखें कि ये किसके इक्वल है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इस एक्स को तो मैं यहां ला चुका हूं, तो माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स प्लस का 4 साइन लॉग एक्स माइनस कॉमन ले लूंगा तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट माइनस का वाई। तो मैं नेक्स्ट स्टेप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। आज का क्वेश्चन नंबर 4th ये कंप्लीट हुआ आपका। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू सम अदर क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। थैंक यू सो मच।